करनी है पुष्कर सिंघानी जी को धीरे धीरे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं देव सिंह फील्ड से हूँगी, तो आज मैं हूँ अभी देव सिंह फील्ड में। और यहाँ पे आप लोग को जैसे पता था, आज आने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, तो उनका पूरा इंतजार और बाहर कितनी हो रही है भीड़, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर माननीय राजेंद्र सिंह रावत जी के माध्यम से पिछले वर्ष भी छिपला केदार का यह दमव हम सभी के दर्शनार्थ यहाँ पर आया हुआ था, और इस वर्ष पुनः छिपला केदार का जो यह दमव है वो यहाँ पर आ रहा है। हम राजेंद्र सिंह रावत जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। सरदोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, स्कूल की झांकियां आना स्टार्ट हो चुका है, तो आप सबको इंतजार ना कराते हुए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। छिपला केदार बड़ी दूर से आएगा परिसर पिथौरागढ़ का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, राजेंद्र सिंह रावत जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। पिथौरागढ़ में इस महान दमव का दर्शन आपने हम सभी को कराया, धीरे धीरे मुख्य मंच पर यह दमव पहुंच रहा है। संस्कृति के रखवाले, संस्कृति के रक्षक, संस्कृति के संवाहक मुख्य मंच पर इस दमव को लेकर के आ रहे हैं सफेद पगड़ियों में, और हमारी गुरुकुल की पहली झांकी यहाँ पर पहुंच चुकी है, और हमारी बहने उत्तराखंड की पारंपरिक परिधानों में वो धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर उनका दल यहाँ पर पहुंच रहा है। और कलश यात्रा किसी भी सुंदर कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं, किसी बड़े कलाकारों का, लोक कलाकारों का, स्कूली विद्यालय छात्र छात्राओं का मनोबल आप सभी लोग बढ़ाएंगे, और सांस्कृतिक एवं वाद्य यंत्र समिति कनार जाला जिबली, कनार जाला जिबली का यह दल जय छिपला केदार, जय माँ कोकिला कनार, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये विराट दमव इसे कोई एक व्यक्ति नहीं उठा पाता, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे संस्कृति के ध्वजवाहक, हमारे संस्कृति के रक्षक, हमारी लोक परंपराओं के संवाहक दमव लेकर के हमारे पिथौरागढ़ नगर में पहुंचे। ये हम सभी को आशीष दे रहे हैं, हम सभी को अभिप्रेरित कर रहे हैं, हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सभी निश्चित रूप से अभिभूत है, नगर पालिका सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों का दल आया है, और मुख्य मंच पर एक बार अपनी प्रस्तुति को लेकर के आ पाएंगे। और जय छिपला केदार, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ये संस्कृति के रक्षक, ये अपनी परंपराओं को सींचने का जीवंत उदाहरण है। आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें अपने सांस्कृतिक उत्सव को किस तरीके से जीवंत हुए हैं, हमारी संस्कृति को बचाए रखने का उपक्रम महेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंच चुका है जारा जिगली कनार का यह दल। यह विशाल दमव आप देख सकते हैं, इसको बजाना कोई साधारण बात नहीं है, ये देव देवताओं का दमव है, ये ईश्वर का दमव है, और यहाँ पर उनका आह्वान भी हम करते हैं। और एशियन अकेडमी के भी छात्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब उनका भी अभिनंदन करते हैं। किसी कैडेट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और मल्लिका गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की छात्राएं सुंदर कुमाऊं की परिधान में, गले में धनुबंद, नाखों में नथ, और कलश, सुंदर कलश यात्रा कलश पकड़ करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये मंगल गान है, ये यश गान है, धीरे धीरे हमारा जो महोत्सव है ये एक नवीन सांस्कृतिक रंग ले रहा है। मल्लिकार्जुन स्कूल भी यहाँ पर पहुंच चुका है, और साथ ही हम देख रहे हैं अनुशासन की बागडोर संभाले एशियन अकेडमी, अनुशासन की बागडोर संभाले एशियन अकेडमी हमारे बीच में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं अकेडमी
हम अभिनंदन करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री महोदय को वो थैंक करेंगे।
सहपट्टी सोर का, यह हमारा एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बोरा जी के द्वारा, दीपिका बोरा जी के द्वारा, और यह अभिनंदन यहां पर स्वागत किया जा रहा है। और इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राजेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा एक शॉल उड़ा करके हमारे सांसद महोदय जी का भी अभिनंदन स्वागत करेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय सांसद महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत, शॉल उड़ा करके एक बार जोरदार तालियां। पिछले दिनों हिमाचल चुनाव में व्यस्त हमारे सांसद महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस्तकबाल हिमाचल के लोगों ने किया, और एक प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पर भेंट किया जाएगा। हम आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नगर पालिका परिषद आपका स्वागत करती है, और मुख्यमंत्री महोदय से कार्यक्रम की विधिवत उद्घाटन की घोषणा। यह ढोल यहाँ पर आया हुआ है, और श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यह ढोल यहाँ पर बजाया जा रहा है। निश्चित रूप से संस्कृति क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, विरासतों का रक्षण कैसे होता है, प्रदेश के मुखिया ये बता रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, राजेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा भी ढोल बजाया जा रहा है। जोरदार तालियां नगर पालिका परिषद के सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा ये ढोल यहाँ पर बजाया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका हो रहा है आगे, वो दे रहे हैं भाषण, और भाषण हो रहा है वो है मीडिया के सामने, तो पूरा कवर किया है मीडिया ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए वहाँ पे है सिक्योरिटी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑडियंस में कितना ज़्यादा, आज फर्स्ट डे है सरदोत्सव का, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे बुज़ुर्ग, आप सभी मेरे पीछे देख सकते हो, बच्चे बुज़ुर्ग सभी लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ है आज भी, और अभी नाइट में भी बहुत होने वाले हैं प्रोग्राम।
तो मैं नाइट तक तो नहीं रुकूंगी, अभी थोड़ी देर तक रुकूंगी और उसके बाद मैं चले जाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट दिन ही कितनी ज़्यादा उत्सुकता है यहाँ पे, आप देख सकते हो बुजुर्गों के साथ साथ। आंटी आप क्यों आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से को देखने आए, क्यों आए आप? ऐसा है, एक तो हमारे पिथौरागढ़ के मुख्यमंत्री है, उनको हमने देखना है, उनके विचार हमने जानने हैं, इसलिए हम आए हैं। और हमारे पिथौरागढ़ के लिए वो क्या सुविधा देते हैं, इसलिए हम आए। आप कुछ कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, किसी कोई स्पेशल उद्देश्य के साथ आए हैं या ऐसे आए हैं? ये बच्चे हैं मेरे, लड़की है, मेरी बहन है, उनके साथ आए हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं पिथौरागढ़ में सब चीज़ की सुविधा हो, जो हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, परेशानी है, वो बेशिश हॉस्पिटल बनने वाला था, अभी अच्छी तरह तैयार नहीं हुआ। तो देखा आपने, ये जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं वो चाहती हैं पिथौरागढ़ जो हो वो सारी सुविधाओं से युक्त हो, सुविधाओं से मुक्त ना हो, तो वो चाहती हैं जो भी यहाँ पे मेडिकल की सुविधा है वो आगे बढ़े और आगे हो। तो ऐसे ही सब हर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें सुनने आए हैं और सब लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या पिथौरागढ़ के लिए और क्या कर सकते हैं। और आपने सुना होगा कि जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं और उनसे अपील करी है कि वो हमारी सहायता करें और अपना उसमें विचार विमर्श करें। दुबई जस जड़ हो सदा अजर अमर रहा और देश की उन्नति में सदा आगे बढ़ना रहा। बहुत बहुत शुभकामना सुभाषीष भाई पुष्कर सिंह भामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो लीजिए मानस अकेडमी और सरदोसव जो है अभी चल रहा है, बट हो गई है रात और मैं जा रही हूँ और ये मुझे लेने आए हैं, पहले आए नहीं, बोला तुम ब्लॉग बनाओ मैं रहूँगा घर पे। बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, बहुत बच्चे। हाँ तो ये संभाल रहे थे बच्चों को और मैं आई थी ब्लॉग बनाने। और यहाँ पे तैयारियाँ जो है मैंने आपको कल भी दिखाया था कि पूरी नहीं हुई है। ये देखो झूले जो है ये बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं सूने सूने, अब पता नहीं ये कब होंगे रेडी और कब इनमें होगी चहल पहल। कल तक हो जानी चाहिए क्योंकि कल है संडे, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कल आएंगे, तो कल रहेगा काफ़ी सारा रस। तो हम जो हैं कल आपको फिर मिलेंगे। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपने आज का पिथौरागढ़ का सरदोसव इन्जॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता है, एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ व्लॉग बनाने में, अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, पति देव को छोड़ के आई थी जो मुझे आए हैं लेने के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।